खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के बनकट समसपुर गांव निवासी नीतीश यादव पुत्र नवमी प्रसाद यादव द्वारा नीट की परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल करने पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बता दें कि नीतीश के पैतृक आवास पर आज भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में GSSP कॉलेज कोयलसा के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव ने बताया कि ग्रामीणों क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जरूरत है उसे सवारने की। नवमी द्वारा पुत्र को अच्छी शिक्षा और तालीम दी गई, जिसकी बदौलत नीतीश द्वारा अच्छी रैंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक उदय राज यादव ने कहा, हमें इसी तरह अपने छात्रों का उत्साह वर्धन करना चाहिए, इसी का अनुकरण हमारी आने वाली पीढ़ी भी करती है और अपने जीवन को सफल बनाती है। इसी क्रम में अटेवा के प्रदेश मंत्री विजय प्रताप यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है, इससे क्षेत्र के युवा पढ़ाई की तरफ उन्मुख होंगे और नीट में भी अपना मुकाम हासिल करेंगे। नीतीश ने अपने तैयारी और सफलता का श्रेय अपने माता पिता नवमी प्रसाद और माता तथा गुरुजनों को दिया। कार्यक्रम के आयोजक नवमी प्रसाद ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष राजेंद्र यादव, घनश्याम यादव, महेंद्र मृदुल, विजय प्रताप बुढ़नपुरी, डॉक्टर मोहनलाल, डॉक्टर संतोष, जितेंद्र कुमार सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आजमगढ़ जनपद से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। मैं उदयराज यादव, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षक। आज इस सम्मान समारोह में जो सभी शिक्षकों ने प्यार स्नेह दिया है नीतीश कुमार यादव को, इसके पीछे उनके माता पिता का अपार स्नेह रहा है, परिश्रम रहा है, जिसे पाकर के वो लड़का आज हमारे क्षेत्र में नीट जैसी परीक्षा को क्वालिफाई करके हम लोगों के मान सम्मान को बढ़ाया है। मैं इस क्षेत्र के तमाम उन नवयुवकों को इस रूप में देखना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य पथ पर चल करके हमारे क्षेत्र के नाम को रोशन करें, ताकि उसमें सबका गौरव बनाए और उनका आने वाला दिन सुखद हो, उनके माता पिता का मान सम्मान बढ़े। इन भावनाओं के साथ मैं आप सबका भी आज इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अनुज घनश्याम यादव जी हैं, इन्होंने भी प्रयास किया है। इनका लड़का भूपेंद्र यादव बहुत ही मेधावी है और जिले में उसने स्थान अर्जित किया है। हम चाहेंगे कि वो भी अपने प्रयास से आगे बढ़ करके इनके नाम को बढ़ावे, वहाँ भी हम लोग चल करके उसे आप लोगों के साथ सम्मानित करें, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव आज यहाँ इस सम्मान समारोह आदरणीय शिक्षक सम्मानित शिक्षक आदरणीय नवमी जी के सुपुत्र का नीट में चयन होने पर उसको सम्मानित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इस क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि बच्चा इस क्षेत्र का नीट में क्वालिफाई किया है, भविष्य का डॉक्टर है। इसी उद्देश्य से हमें उसको बधाई देने के लिए। अच्छा, जैसे आप शिक्षा से जुड़े हैं, परीक्षाओं को पास करते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज के दौर में ये बहुत बड़ी शिक्षण संस्थाओं में कमी, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में कोर्स तो पढ़ाएगा लेकिन उनको कैसे लक्ष्य प्राप्त करें, मुश्किल के लिए कोई मोटिवेशन की क्लास नहीं, सिर्फ कोर्स लेकिन उस कोर्स को पढ़ करके वो आगे कैसे जाएगा, इसके लिए मोटिवेशन की क्लासें नहीं है, उसकी बहुत ही आवश्यकता।
जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता है तब तक बच्चे को उसका रास्ता दिखाई नहीं देता। मोटिवेशन एक मार्ग दिखाई जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे मोटिवेशन और इन चीज़ों की वजह से थोड़े पीछे हो जाते हैं, भावना महसूस करते हैं। जो बड़े बड़े कॉलेजों से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आते हैं उनके सामने वो फेस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं इसमें ग्रामीण क्षेत्र के पीछे है। आप लोगों का दायित्व है कि आप लोग दायित्व बढ़ा है कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोग चला अच्छे ढंग से निर्वाह सही नहीं कर पाए, जबकि जरूरी है इस बात की है कि शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग शिक्षा को मजबूत करें, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहरी क्षेत्र के बच्चों को भी बीट कर सकें। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा तो बहुत मजबूत है, बस केवल उनका मोटिवेशन और जैसे वन डे एग्ज़ाम को फेस कैसे करना और एग्ज़ाम को फेस कैसे करना, उनको तौर तरीके अगर कभी वन मतलब तैयारी कराई जाए, इस तरह से बताया जाए बच्चों को कभी उसी पीरियड में, तो हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन परीक्षाओं को क्वालिफाइड करेंगे। जहाँ आप 5-6 पा रहे हैं वहाँ दर्जनों से अधिक पाएंगे। तभी इस क्षेत्र में इस वर्ष काफ़ी बच्चे नीट में भी आए हैं और IIT की भी प्रवेश परीक्षा उसमें भी आए हैं, तो बच्चों का खुद का प्रयास और शिक्षण संस्थाओं का प्रयास निश्चित रूप से फलदायी हो रहा है, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है।